पुरियों में पुरी हो या चार धामों में धाम, सर्वपुरी पुरी धाम जगन्नाथ धाम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया थ्रिल्स रिवेलिंग इंडिया चैनल के इस एक और रहस्यात्मक एपिसोड में। मैं अंबुज आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, चैनल बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट्स के द्वारा ज़रूर हम तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी के बारे में। आज आपको पुरी की यात्रा मैं कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको भगवान जगन्नाथ से संबंधित सारे रहस्यों के बारे में जानकारी होगी और आप एक बार ज़रूर पुरी और जगन्नाथ धाम की यात्रा करें अगर संभव हो तो। तो आइए शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, के उनके मंदिर के रहस्य के बारे में। मित्रों, भगवान जगन्नाथ के बारे में पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी प्रांत में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र ही नहीं है बल्कि ये वास्तुकला का भी एक बेजोड़ नमूना है। इसके ऐसे ऐसे कुछ राज हैं, इसकी बनावट के कुछ राज ऐसे ऐसे हैं जिनको कि अभी भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं या जो एक्सपर्ट हैं वो लोग भी अभी तक उद्भेदन नहीं कर पाए हैं रहस्यों का। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ और कलिंग शैली के वास्तुकला और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है मंदिर। मुख्य ढांचा जो है 214 फुट के पाषाण पर स्थित है। इस प्रकार से पुरी, पहले मैं आपको बताऊं, पुरी तक जाने के लिए लगभग सभी मुख्य स्टेशनों से ट्रेन मिलती है डायरेक्ट पुरी तक। अगर आपको पुरी तक जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप भुवनेश्वर तक की ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं और भुवनेश्वर से पुरी की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। आपको टैक्सी, स्थानीय बस या टूर पैकेज भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। पर व्यक्ति टैक्सी का किराया लगभग 850 के आसपास अभी वर्तमान में है। अगर आप ट्रेन से नहीं जा सकते हैं तो एयरपोर्ट है बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में, आप वहां पर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं और फिर बाकायदा बाय रोड आप भुवनेश्वर से पुरी तक की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप भुवनेश्वर से पुरी तक की यात्रा करेंगे दोस्तों तो रास्ते में कोणार्क मंदिर, जो प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल है, उसके दर्शन करना मत भूलिएगा। वो भी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, उसको ज़रूर देखिए अगर आप बाय रोड भुवनेश्वर से पुरी की तरफ जा रहे हैं। आइए अब आपको मैं भगवान जगन्नाथ मंदिर का के रहस्य के बारे में। मूर्ति दोस्तों, जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है वो अर्धनिर्मित मूर्ति है जिसके बारे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारी दुनिया के लोग भी जानते हैं। आपने भगवान जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां देखी होंगी जो अर्धनिर्मित मूर्तियां हैं और इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ति अर्धनिर्मित क्यों है, कैसे भगवान जगन्नाथ वहां स्थापित हुए और क्या उनकी महिमा है। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद। आप लोग को अगर आप लोग महाभारत आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने ज़रूर इस बात पर गौर किया होगा कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को यदुवंश के कौरवों के वंश जैसे समाप्त हो गया लड़के, उसी प्रकार आपस में लड़के पांडवों के साथ लड़के समाप्त हो गया, उसी प्रकार गांधारी जी जो दुर्योधन की माता थी उन्होंने श्राप दिया था कि जो यदुवंश है, जो कृष्ण का यदुवंश है, वो भी आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। तो विधि के विधान के अनुसार एक बार जो ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के यहाँ पधारे और संयोग से कृष्ण के जो पुत्र थे, उस समय तक यदुवंशी लोग बहुत सारा मदिरा पान वगैरह करने लगे थे, मदिरा मतलब जो शराब बोलते हैं उसको, वाइन, वो पीने लगे थे। तो श्री कृष्ण के पुत्र थे श्याम, उनके 4 मित्र जो है उन्होंने दुर्वासा ऋषि के सामने वो एक नकली पेट श्री कृष्ण के पुत्र के जो है स्त्रियों के वस्त्र धारण करा के और नकली पेट लगा के दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए और उनके साथ एक प्रकार से मजाक किया कि ये कन्या है और ये गर्भवती है तो इसको आप वरदान दें कि पुत्र हो।
दुर्वासा ऋषि जो खुद सर्वज्ञ थे, सारा कुछ जानते थे, वो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने तत्काल अपने तपोबल से जान लिया कि श्याम, ये श्री कृष्ण पुत्र श्याम है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्राप दे दिया कि इसके पेट में जो है उसी से श्री कृष्ण के कुल का समूल नाश हो जाएगा। तो सब घबरा गए। उसके बाद जब नकली पेट हटा के देखा गया तो उसके अंदर एक मूसल था, लोहे का जो मूसल होता है, उस मूसल से। तो सारे लोग घबरा गए, सब लोग श्री कृष्ण जी के पास गए और उनको बताया कि ये मूसल ऐसा ऐसा हुआ है और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों में से जो सबसे शक्तिशाली थे भीम, उनको बुलाया, उनको मूसल दिया और उनको कहा कि इसको जो है घिस के और पूरा समाप्त करके पानी में बहा देना है। तो भीम उसको लेके गए वहाँ पे किनारे पे, उसको घिसा, काफ़ी कुछ बह गया। अंतिम में जो मूसल का वो हिस्सा जो भीम के हाथ में नहीं आ रहा था, एक छोटा सा घिसते घिसते वो सुनहरा गुलट हो गया था, उसको भीम ने उसी प्रकार से पानी में फेंक दिया, ये सोच के कि इस छोटे से गोले से कैसे समूल नाश होगा। वो लोहे का जो चमकता हुआ गोला था वो पानी में गिरने के बाद मछली ने उसको निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से सोने का एक वो चमकता हुआ गोला निकला। जो मछुआरा था वो सब उसने समझा कि ये कोई बहुत बड़ा रत्न है। इस रत्न इनाम के लालच में वो अपने कबीले के पास गया, कबीले के सरदार को उसने वो गोला दिया और जो इनाम कबीले के सरदार ने उसको दिया वो लेके वापस चलाया। कबीले के सरदार को बाद में पता चला कि ये कुछ नहीं, एक मामूली सा लोहे का गोला है। तो उसने उसको अपने एक जो वान तीर और धनुष होता है तो अपने वान के ऊपर उसको मढ़ लिया। इधर श्री कृष्ण का सारा यदुवंश आपस में लड़के समाप्त हो गया था श्राप के अनुसार। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए थे, विचारमग्न थे और उनका जो दायां पैर था वो बाईं जांघ के ऊपर इस प्रकार से रखा हुआ था कि दूर से, और उनका तलवा जो है वो एकदम रक्त के समान लाल था, दूर से वो हिरण के कान की तरह दिख रहा था। उधर वो कबीले का सरदार उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाकर जिस पे उसने वो मढ़ा था उससे वो शिकार के लिए निकला। दूर से उसको श्री कृष्ण का वो पैर हिरण के कान की तरह दिखाई दिया और उसने वो तीर चला दिया जिससे वो तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग गया, बाएं पैर के अंगूठे में लगा और श्री कृष्ण के प्राण निकल गए। आपको मैं बताता हूँ कि ये जो सरदार थे, कबीले का जो सरदार था, ये रामायण काल के बाली का ही पुनर्जन्म था। रामायण काल में जिस प्रकार से बाली को भगवान राम ने छल से छुपके तीर मार के उसके हत्या की थी, उसी प्रकार से उस बाली ने इस जन्म में अपना बदला लिया। श्री कृष्ण ने भी अपना कर्ज उतार दिया और इस प्रकार से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु होने के बाद श्री कृष्ण चूँकि पृथ्वी पर आए थे 16 कलाओं से युक्त होकर दोस्तों, तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने जब उनके पैर में तीर लग गया था और ऊपर लेटे हुए थे और चारों तरफ से पांडव, जब उनका अंतिम समय था तो उन्होंने अर्जुन से निवेदन किया कि वो उनको पानी पिला दे। तो जब अर्जुन उनको पानी पिलाने के लिए आगे बढ़े तो युधिष्ठिर ने इशारों में अर्जुन को मना किया। अर्जुन शायद उनकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण के बहुत निवेदन करने पर वो उनके पास गए और झुककर उनका सर अपने गोद में लिया और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को स्पर्श किया उनका गांडीव उनके कंधे से गिर गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे और एक कला उन्होंने अर्जुन को दे दी थी जिससे कि वो गांडीव उठा सके, और मृत्यु के समय शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी कला वापस ले ली। वो पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर इस धाम को छोड़ के अपने धाम को गए थे, इस पृथ्वी को छोड़ के। तो उसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण के प्राण पखेरु उड़ गए। कई धर्म के जानकारों का मानना है कि श्री कृष्ण को जलाया नहीं गया था, श्री कृष्ण का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ नहीं था, पंचभूतों से बना हुआ नहीं था। श्री कृष्ण अपने शरीर के साथ ही वापस अपने धाम गए, लेकिन कई जानकार ये मानते हैं और जो भगवान जगन्नाथ हैं पुरी में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी मानना है कि श्री कृष्ण को जलाया गया था। और जब श्री कृष्ण को जलाया गया तो जलाने के बाद उनका हृदय नहीं जला था,
वो हृदय को उसी प्रकार जो है पानी में बहा दिया गया। वो हृदय बहते बहते राजा इंद्रद्युमन को मिला। राजा इंद्रद्युमन ने वो जो हृदय था वो बाद में भगवान जगन्नाथ के हृदय में जो उनकी मूर्ति थी उसमें स्थापित कर दिया, जो आज भी अभी आपको मिलेगी जब आप जाएंगे वहाँ, आज भी मिलेगी। विद्युत तरंगे निकलती है दोस्तों वहाँ, आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से। और इस प्रकार जो है वो श्री कृष्ण का की जो लीला है वो यहाँ पर धरती पर समाप्त होती है। आगे भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युमन जो थे वो भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न दिया, एक बार उसको उनको भगवान विष्णु ने स्वप्न दिया कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा करो, मेरी नील माधव की मूर्ति की पूजा करो, मेरी नील माधव की मूर्ति तुम्हारे ही राज्य की सीमा के उत्तरी कोने में है, वहाँ से लाओ और उसको मंदिर में स्थापित करके उस मूर्ति की पूजा करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रद्युमन ने चारों तरफ अपने सिपाहियों को भेज दिया ताकि वो लोग उस नील माधव की मूर्ति को ढूंढ सकें। नील माधव दोस्तों, नील माधव भगवान विष्णु का ही एक पाषाण की श्री कृष्ण के छोड़ने के बाद भगवान विष्णु जो है पाषाण रूप में एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए थे, उससे नीला प्रकाश निकलता था, इसलिए उनको नील माधव कहा जाता था। वो उस राजा इंद्रद्युमन जो थे वो मालवा के राजा थे, उनके ही सीमा के पास वो मूर्ति थी और उस मूर्ति के जो उपासक थे वो सबर कबीले के लोग थे। सबर कबीला आपको अगर याद हो तो महाभारत में एकलव्य सबर कबीले के ही थे, तो वो सबर कबीले के कुल देवता थे और सबर कबीले के लोग उनकी बहुत उपासना करते थे और पहाड़ी पर वो उन्होंने वो गुप्त रखा था। और सबर कबीले के जो सरदार थे विश्वासु वो उसके उनके मुख्य उपासक थे। उस कहते हैं कि उस नील माधव के बारे में दुनिया में बहुत कम लोगों को पता था, सिर्फ सबर कबीले के लोग ही उस मूर्ति के बारे में जानते थे और पूजा जो है उनकी मुख्य रूप से विश्वासु ही करते थे। इधर राजा ने अपने सारे सिपाहियों को चार टुकड़ों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था वो नील माधव की मूर्ति को ढूंढने के लिए। संयोग से एक राजा का एक सिपाही जो मंत्री था उनका नाम विद्यापति था, वो उस कबीले के मूर्ति को ढूंढते ढूंढते उस कबीले के पास तक पहुंच गए थे। उस कबीले के जब वो प्रवेश कर रहे थे तो बाहर कुछ लड़कियां आँख मिचौली जो खेलते हैं दोस्तों वो खेल रही थी, कुछ युवा लड़कियां थी वो लोग खेल रहे थे। और संयोग से एक उसमें से एक युवा लड़की ने जिसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी उसने गलती से उनको उस मंत्री को जो विद्यापति थे उनको पकड़ लिया। कबीले का एक रिवाज था कि अगर कोई गैर पुरुष को कोई कबीले की लड़की स्पर्श कर लेती है तो उससे उसका विवाह हो जाता है। तो सब सारे कबीलों को पता चल गया, कबीले के लोगों को पता चल गया, उन लोगों ने विद्यापति को शादी के लिए उस पर दबाव बनाया और विद्यापति को भी कुछ कुछ भनक लग गई थी कि उस कबीले वही वो कबीला है जो नील माधव की मूर्ति का उपासक है, तो उसने भी शादी के लिए हामी भर दी और इस प्रकार से वो शादी करके उस कबीले में हो गया। तो मैं आज ये कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार मैं आपको अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि इस कबीले के जो जब विद्यापति ने जो शादी करी उस कबीले के, तो कबीले के लोगों ने कैसे उस मूर्ति को वापस लाया गया महाराज इंद्रद्युमन तक, उस बीच में क्या क्या कहानी है, विश्वासु ने कैसे वो मूर्ति विद्यापति को दे दी कि वो अपने राजा के पास लेके जाए इंद्रद्युमन के पास, और उसके बाद वो मूर्ति अर्धनिर्मित कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा, मूर्ति का निर्माण किसने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही मैं आपको सात जो अनसुलझे रहस्य हैं उस भगवान जगन्नाथ धाम के उसके बारे में भी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। वो सात अनसुलझे रहस्य दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं, उस वो वर्तमान में भी वो रहस्य अभी भी वहाँ जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के धाम में लोग देख पाते हैं।
और आपको साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या कलयुग में भगवान जगन्नाथ वापस आए थे, और अगर वापस आए थे तो उनका क्या प्रमाण है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हर 18 वर्षों के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों बदली जाती है। इसके बाद मैं आपको भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, आजकल तो हर छोटे बड़े शहरों में रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी आपको बताऊंगा, जो स्थानीय लोगों में काफ़ी प्रचलित है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई, और आगे और भी बहुत सारे रहस्य इस रहस्य जुड़े हुए हैं भगवान जगन्नाथ से, अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूँगा और पूरा विश्लेषण आपको भगवान जगन्नाथ के बारे में बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।